नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,451 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही अब एक्टिव केसेस का जो आंकड़ा है वो 20,635 पर पहुंच गया है। वहीं रविवार की अगर बात की जाए तो संक्रमण के चलते 40 लोगों की जान चली गई। इससे पहले 7 मई को 3,805 नए मामले दर्ज किए गए थे, यानी बीते कुछ दिनों से यह आंकड़ा लगातार 3,000 से ज्यादा है। बात अब हरियाणा की करें तो बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 473 नए मरीजों की पहचान हुई। इन नए मामलों में सबसे ज्यादा 355 केस साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले हैं। ऐसे में आप और आपके आसपास के लोग कितने सावधान रहते हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। तो हल्ला बोल में आज हम सवाल कर रहे हैं कि वायरस के खतरे को लेकर आप कितने सावधान हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उन्हीं मामलों को देखते हुए अब आपको सावधानी बरतनी ही होगी। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, आपको सख्ती चाहिए या फिर आप सावधानी बरत लेंगे। सवाल ऐसे में ये उठता है कि लोगों के मन से क्या कोरोना का डर दूर हो गया है, क्या मास्क पहने में लापरवाही बरत रहे हैं लोग, लोगों की लापरवाही क्या खतरे को न्योता देगी, भीड़भाड़ में जाना आपके लिए कितना सुरक्षित है, बच्चों में संक्रमण को लेकर क्या कुछ स्थिति है, ये भी सवाल उठता है। तो तमाम सवाल उठ रहे हैं, तो हल्ला बोल में आप अपनी राय रख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 0124-482-90-11-12-13-14। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, तो जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए, कॉल करिए, हमें अपनी राय दीजिए, क्योंकि आपकी राय जानना सबसे अहम है। तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, वक्त मत जाहिर कीजिए, वक्त बर्बाद मत कीजिए, हल्ला बोल में हल्ला बोलिए कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो कितने सावधान हैं, क्या जो लोग हैं वो एहतियात बरत रहे हैं या फिर लापरवाही देखी जा रही है। हालांकि बच्चों को इस संक्रमण से कितना ज्यादा खतरा है ये भी सवाल उठता है, भीड़ भाड़ में जाना आपके लिए कितना सुरक्षित है, लोगों के मन से क्या कोरोना का डर दूर हो गया है, क्या मास्क पहनने में लोग लापरवाही बरतते हैं, लोगों की लापरवाही क्या खतरे को न्योता देगी, भीड़भाड़ में जाना क्या आपके लिए सुरक्षित है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाते हैं फिर उनमें संक्रमण का खतरा भी रहता है, तो इसके लिए आप पहले ही सावधान हो जाइए। सावधानी के रूप में अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं, क्योंकि अब आपके पास एकमात्र उपाय है तो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है। हालांकि हमने वो वक्त भी देखा जब मेडिकल स्टोर पर ऑक्सीमीटर्स नहीं थे, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी, वेंटिलेटर्स की कमी थी, ये सारी समस्याएं ना जाने कितने लोगों को भुगतनी पड़ी, ना जाने कितने लोगों के मां बाप इसी कोरोना के चलते चले गए, ना जाने कितने अपनों ने अपने मां बाप को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया तो किसी ने अपनी बहन को खोया। क्या आप चाहते हैं कि फिर से हालात वही पैदा हो जाएं? अगर आप अपनों को खोना नहीं चाहते तो आप सबसे पहले खुद ही सावधानी बरते, क्योंकि अगर आप ही सुरक्षित रहेंगे तो ही आपका परिवार सुरक्षित रह सकता है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अगर आप जाते हैं तो आप सावधानी जरूर बरतें, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। वैक्सीनेशन को लेकर हालांकि अभियान भी चलाए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद कहा था कि वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता सबसे अहम है। तो एक कॉलर जुड़े हैं चेन्नई से, प्रेम बोलिए, प्रेम हल्ला बोलिए, अपनी आवाज दीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपने कहा, प्रधानमंत्री साहब ने कहा वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन क्या वो जो मुंह पर मास्क लगाना और डिस्टेंस जो 2 गज की दूरी है उसको अपनाते हैं? ए
एक भी नेता, पीएम से लेके और नीचे तक के नेता, आप हरियाणा में देखिए अभी कितने चल रहे हैं, जो भी अभियान चल रहे हैं या वो जो भी कर रहे हैं, अभी अंबाला में कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कर रहे हैं, जब जिस साहब कह रहे हैं तो मुंह पर मास्क है उनके, आप देखिए हर जगह ये नेताओं पे आप जो बोलते हैं प्रधानमंत्री साहब प्रधानमंत्री साहब प्रधानमंत्री साहब, असल में बिगाड़ा इन्होंने ही है, ये मीटिंग में करते हैं। आज देखिए गृह मंत्री साहब बंगाल में जाके मीटिंग करके, क्या उन्होंने करना नहीं फैलाया होगा वहाँ पे? आम पब्लिक वहाँ पे 50% लगा के आएगी, मुंह पर मास्क लगा के आएगी, लेकिन इनके मुंह से जो आवाज जाती है क्या वो करना नहीं फैला सकते? क्या इनको करना नहीं हो सकता? आज हमारे प्रधानमंत्री साहब को करना नहीं हो सकता? हो सकता है, तो फिर ये क्यों नहीं करते हैं ये काम? ये दूसरे को देख देते हैं कि हम वैक्सीनेशन लगा के करना को कम कर रहे हैं, कैसे जनता समझेगी? जब हमारे माँ बाप या हमारे अधिकारी या हमारे जो देश को चलाने वाले हैं वो इस चीज को नहीं अपनाएंगे तो कैसे इस देश में समझ आएगी लोगों को? समझ है, कोई मरना नहीं चाहता, सब आदमी चाहते हैं मुंह पर मास्क। ठीक है प्रेम, ठीक है ठीक है, लेकिन हमने आपकी राय जानी, ठीक है आपको सुना, लेकिन हर आम आदमी का यही कर्तव्य बनता है, यही जिम्मेदारी बनती है कि पहले वो खुद सावधानी बरते, दूसरों को हमने नहीं देखना है, दूसरे चाहे कुछ भी करे हमें किस तरह से सुरक्षित रहना है, हमारा ये दायित्व रह जाता है। बहुत शुक्रिया प्रेम अपनी राय रखने के लिए। एक और कॉलर जुड़े हैं जिनका नाम है रामपाल, बोलिए, हल्ला बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मैं 5 दिन मेडिकल में दाखिल रहा, दवाई फुल थी, सफाई कर्मचारियां टीके लुआ हुआ, डॉक्टर हाजिरी भरन बाद जावा, मेडिकल कॉलेज का ये हाल है, ना पीने का पानी, ना कोई किसी टाइप की सुविधा, मच्छर काटता रात में, कोई सुनने वाला नहीं, फिर बीमारी फैल लगी तो और क्या होगा? बिल्कुल सही। क्या आप भी कोरोना संक्रमित हुए थे? ना जी, मेरे बल्ब हुए प्लेट घट गई थी, खून कम हो गया था, इसके बारे में वहां एडमिट हो गया, एडमिट ही और दवाई की कोई कमी नहीं थी, सिर्फ प्रशासन काम नहीं कर रहा, राज का कोई दबाव नहीं, सब चोर डकैत हैं, सारे दवाइयों पीछे जमकर ला रहे राजनीति वाले, कोई संभाल नहीं, जो बेचारे स्वीपर है ना, जो झाड़ू लगा रहे हैं, वह टीके लगाओ है, वह दवाई दे है, बताओ कैसे मरीज ठीक होंगे, कैसे फायदा होगा? चलिए रामपाल जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हालांकि आपको बताएं कि तमाम सवाल जो हैं वो तमाम दर्शकों के मन में उठ रहे होंगे। हालांकि चेन्नई से प्रेम जुड़े थे, उनका ये कहना है कि खुद जब नेता लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते तो हम क्यों करें? देखिए, हमारा जो दायित्व है वो ये बनता है, हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले ये बनती है कि हम सबसे पहले खुद सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप पहले मास्क पहनिए, आपको ये नहीं सोचना है कि सामने वाला क्या कर रहा है। एक तरह से तो ये सब चीजें करना बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ऐसे में अगर आप सेफ रहेंगे तो आपका परिवार भी सेफ रहेगा। वो आपको सोचना है कि आपका परिवार भी संक्रमित हो जाए तो आप पर क्या गुजरेगी। हालांकि आपने दूसरी लहर के दौरान भी वो हालात देखे होंगे, तीसरी लहर के दौरान भी इससे ज्यादा स्थिति बिगड़ गई, तो क्या अब भी चाहते हैं आप कि वही वक्त दोबारा लौट आए? अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप सावधानी जल्दी से जल्दी बरतिए, ताकि जो कोरोना के मामले हैं वो इससे ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि 2 दिन लगातार 500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। हालांकि अगर यही मामले इससे भी ज्यादा बढ़े तो आपके लिए भी चिंता का विषय हो जाएगा। आपको बताएं कि पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,451 नए केस मिले। इसके साथ ही अब एक्टिव केसेस की जो संख्या है 20,635 पर पहुंच गई है। वहीं रविवार को संक्रमण के चलते 40 लोगों की जान चली गई। इससे पहले 7 मई को 3,805 नए मामले दर्ज किए गए थे।
यानी कि बीते कुछ दिनों से ये आंकड़ा लगातार 3000 से ज्यादा है। बात अगर हरियाणा की हम कर ले तो हरियाणा में भी जो मामले हैं लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज कुछ राहत दी गई है, आंकड़े जो सामने आए हैं उससे कुछ राहत मिली है। एक कॉलर जुड़े हैं, रमेश कुमार, बोलिए रमेश, हल्ला बोलिए, आवाज दीजिए अपनी। ऐसा है मैडम, ये कोरोना, ये जो अभी बताते हैं कोरोना का, ये अभी जब 26 जनवरी हुई थी उसके बाद ऑटोमेटिक इन्होंने एकदम से कोरोना वो बैक कर दिया, जी कोरोना खत्म हो गया बिल्कुल, कोई मास्क नहीं लगाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, तो ये एकदम से चालू कैसे हो जाता है, ये क्या है, इसकी प्रोसीजर क्या है इसका? रमेश कुमार जी, अगर लोग सावधानियां नहीं बरतेंगे तो जनरल सी बात है ना कि संक्रमण फैलेगा, संक्रमण को पता थोड़ी है। ऐसा है मैडम, आपकी बात सही है, मैं ये नहीं कहता, जो पहले से 26 जनवरी होने के बाद 27 तारीख को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया जी कोरोना खत्म हो गया, एकदम से कोरोना खत्म हो गया, तो उसके बाद ये कोरोना का जो है अभी फिर दोबारा ये बता रहे हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आता एकदम से कोरोना कैसे चालू हो जाता है ये। तो आप क्या सोच रहे हैं कि अचानक से क्यों खड़ा हो जाता है, अगर आप कह रहे हो ना? तो हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ऐसा है ना, फिर इनको जो भीड़ भाड़ जो ज्यादा, रमेश कुमार जी सुनिए, बीमारी है, अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो हो सकता है आपका परिवार संक्रमित हो जाए। ऐसा है ना मैडम, फिर आप ये सोचेंगे कि हमें वही परिस्थिति में जाना पड़ रहा है, तो इसमें यही आपके लिए सेफ साइड रहेगा कि आप सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रहने के लिए आपको मास्क पहनना पड़ेगा, वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा। एक मिनट मेरी बात तो सुनेंगे आप, ऐसा है ना, फिर गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना चाहिए ना इस चीज में पूरी, जहाँ भी उनका गवर्नमेंट का कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी गवर्नमेंट करती है, कोई इलेक्शन में करती है, तो उनको भीड़ भाड़ नहीं करनी चाहिए इन चीजों में। ठीक है रमेश जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, बहुत शुक्रिया, करेगी करेगी, हाँ जी बहुत शुक्रिया। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। तो आप अगर भीड़ भाड़ में जाते हैं तो क्या मानते हैं आप, कि क्या आप सुरक्षित हैं? अगर आप अपने बच्चों को घर में रख रहे हैं या फिर घर से बाहर भेज रहे हैं स्कूल के लिए, ट्यूशन के लिए या फिर किसी भी काम के लिए अगर आप बाहर भेज रहे हैं, तो अगर आपके ही बच्चे सावधानी नहीं बरतेंगे तो हो सकता है कि बाहर से वो संक्रमित होकर आएंगे, उसके बाद हो सकता है कि आपको ही अंजाम भुगतना पड़ जाए। एक कॉलर जुड़े हैं, प्रेम, बोलिए प्रेम, हल्ला बोलिए। नमस्कार मैम, एक बात रह गई थी, आपने मेरे बोलने का मतलब ये बताया कि नेताओं ने नहीं पहने तो हम नहीं पहने, मेरा बोलने का मतलब ये कतई नहीं है, मेरा बोलने का मतलब है कि उन्होंने नहीं पहन रखे, हमने पहन रखे हैं, लेकिन मार्गदर्शन जो हमको मिलता है वो नेताओं से मिलता है कि वो खुले मुंह भाषण दे रहे हैं और हम तो पहन के जा ही रहे हैं, अगर उनको देखने के लिए हम नहीं जाएंगे तो उनकी बेइज्जती होती है, वो हमको बुलाते हैं कि आइए हमारी भीड़ करिए, अगर और हम पहन के गए और दूसरे नहीं पहन के आए, और उसके बाद में जब, तो नेताओं का ही तो दोष हुआ ना मैम कि उन्होंने मुंह पर नहीं लगाया, हम ये नहीं कह रहे कि नेता नहीं पहनेंगे तो हम नहीं पहनेंगे, मैं कह रहा हूँ कि उनको पहनने चाहिए, उनको देश को ये सिखाना चाहिए कि कम से कम हम पहन के जाएंगे तो दूसरे पर असर पड़ेगा, वो हमारे बहुत सीनियर नेता है, बिल्कुल, सीएम छोटे मोटे आदमी नहीं है, आज कोई गृह मंत्री साहब छोटे मोटे आदमी नहीं है, ये सोचने की चीज है मैम, इसलिए मैंने कहा था ये बात, मैंने कतई ये नहीं कहा कि नेता नहीं पहनेंगे तो मैं नहीं पहनूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो प्रेम जुड़े थे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम। तो हल्ला बोल में, क्योंकि देश में बढ़ते मामलों को रोकने के लिए अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है, क्या आपको वो अब आप पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सेफ रहें तो उन्हें भी कहिए कि वो एहतियात बरतें, सावधानियां वो भी अपनाएं। सवाल हमारे ये है कि लोगों के मन से क्या कोरोना का डर दूर हो गया है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं मार्केट हो, भीड़भाड़ वाले क्षेत्र हो, मेट्रो हो, मॉल हो, जहां लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, कोई एहतियात नहीं बरत रहे हैं,
लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है कि लोगों के मन से क्या इसका डर खत्म हो गया है? क्या वो भूल गए हैं कि हमने इतना बुरा जो हालात है वो देखे थे, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ऑक्सीमीटर्स की कमी हो गई थी, दवाइयां नहीं मिल रही थी, अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई थी? क्या वो भूल चुके हैं कि हमारे देश में वो हालात भी पैदा हो गए थे? क्या आप चाहते हैं कि आपके देश में फिर से वही हालात पैदा हो जाएं? अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप दोबारा से वही सावधानियां बरतने लग जाएं ताकि कोरोना के जो मामले हैं वो फिर से कम हो जाए, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपके बच्चे सुरक्षित रहें, आपकी माताएं, आपकी बहनें सुरक्षित रहें। तो देश में कोरोना के मामलों ने छलांग लगानी शुरू कर दी है। 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 3,451 नए कोरोना केस आए हैं। एक दिन में 40 मरीजों की जान भी गई है। एक्टिव केसेस जो हैं वो 20,000 के पार है। सवाल ऐसे में ये उठता है कि भीड़ भाड़ में जाना कितना सुरक्षित है? बच्चों में संक्रमण को लेकर कितने सावधान हैं आप? क्या आप खतरे को न्योता दे रहे हैं? ये भी सवाल उठता है। तो हमारे जो सवाल हैं टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, कॉल कीजिए, हमें अपनी राय दीजिए, हल्ला बोलिए, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हालांकि बोलने का जो अधिकार है वो हर किसी को होता है, तो आपको भी है अधिकार, आप भी खुलकर बोलिए, हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए। जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए, देर मत कीजिए, कहीं ये ना हो कि वक्त बीत जाए, आप अपने अधिकार से वंचित हो जाएं। तो हल्ला बोल में अपनी राय रखिए। तो एक कॉलर जुड़े हैं, निशांत, बोलिए निशांत, हल्ला बोलिए, आप हमें सुन पा रहे हैं? यस मैम। मैम ये बोलना था कि बहुत लोग सरकार को ब्लेम करते हैं। हाँ, सरकार की थोड़ी बहुत गलती है कि बहुत जगह वो रैली निकलवा देती है या फिर बहुत जगह बहुत सारे लोग रहते हैं तो उन्हीं की वजह से रहते हैं, पर वो इतना नोटिस नहीं करते। लेकिन सरकार की भी पूरी तरह गलती नहीं है। सरकार हर एक इंसान के घर जाके और हर एक इंसान के मुंह में मास्क तो नहीं लगाएगी, वो तो हमें ही करने हैं। कहीं ना कहीं हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। अभी जो फाइन लग रहे हैं बहुत सारी जगह पे, मास्क ना लगाने पे फाइन किया जा रहा है, तो लोग क्या करते हैं, जैसे पुलिस या कोई आ रहा है, देख लेते हैं वो आ रहा है तो मास्क लगा लेते हैं फिर हटा देते हैं। मतलब उन लोगों को अपनी स्मार्टनेस दिखानी होती है, ये नहीं सोचते कि हाँ भाई इससे हम बीमार भी हो सकते हैं या फिर आगे हमें ये बहुत ही ज्यादा नुकसान भी कर सकता है, वो नहीं सोचते हैं। और लाइक सिर्फ अपने बारे में, सीरियसली अपने बारे में सोचना चाहिए। हम अपने बारे में सोचेंगे कि हम सुरक्षित रहेंगे तो अपने आप सब, यदि ऐसा सोचेगा तो अपने आप सबका सब सुरक्षित ही रहेगा। बहुत शुक्रिया निशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय देने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं, जो दर्शक इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी राय जानना सबसे अहम है। एक कॉलर जुड़े हैं, मास्टर आर के कालिया, बोलिए, हल्ला बोलिए, आवाज दीजिए अपनी। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए आप अच्छे मुद्दे लेते हैं, अच्छे मुद्दों पर चर्चा करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है जो हमारे रहनुमा है, जो देश के चलाने वाले सियासी लीडरान हैं या जो प्रशासन अधिकारी हैं, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं। ये बहुत बड़े एक दुख की बात है। बिल्कुल, हम खुद अवेयर हैं, बच्चों को भी अवेयर करते हैं, लेकिन दूसरों को अवेयर कौन करेगा? मैं आपके चैनल से के जरिए कहना चाहूंगा, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े शासन करने वाले लोग हैं, आप देखिए इनकी हर रोज रैलियां, हर रोज समागम, हर रोज ओपनिंग, क्या तमाशा बना हुआ ये, लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़, अरे इन पर पाबंदी कौन लगाएगा? दुख इस बात का, इनको पाबंदी क्यों नहीं लगती? जथा राजा तथा प्रजा, पब्लिक खुद दुखी है इस बात के लिए।
पब्लिक खुद दुखी है, बताइए क्या करें हमको। मैं तो हालांकि एजेड आदमी, मैं तो कल भी मास्क लगा कर रखता हूँ, दिन में भी रात में भी, और बताइए बच्चों को भी यही कहते हैं, हम तो यही कह सकते हैं, लेकिन बाकी जो हमारी सरकार है इसकी इसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। मैं ये पूछना चाहूंगा चैनल के माध्यम से, कभी किसी ने मास्क लगाया हो, कभी किसी का चलान हुआ हो, बताइए। अब चलान होता छोटे आदमी का, इनकी क्या हिम्मत है पुलिस वालों की, बड़े आदमी चलान करते हैं। बिल्कुल, देश का सिस्टम जब तक नहीं बदलता मेरी अजीजा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार कहता हूँ, जब तक देश का सिस्टम नहीं बदलता, सिस्टम नहीं बदलता, जड़ जो जड़ है, जड़ जड़ को पानी देना होगा, ना कि बिल्कुल बिल्कुल जड़ को खत्म करना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इस खास विषय पर हम हल्ला बोल रहे थे, तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं, क्या आप भी खतरे को न्योता दे रहे हैं? भीड़ भाड़ में जाना आपके लिए कितना सुरक्षित है, ये भी सवाल उठता है। तो हल्ला बोल में अपनी आप राय रख सकते हैं, यह बता सकते हैं आप। फिलहाल के लिए हल्ला बोल में इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।